किसी के मीडिया के माध्यम से ही सुना है हमने, क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। कैसे हुआ क्या हुआ ये परमात्मा जाने। हम यहाँ पर ये खेतीबाड़ी का काम है, यहाँ सेवा फेवा करते हैं। सेवा भी आप करते हैं? हाँ, यही सेवा है और क्या है, खेती। अच्छा। खेतीबाड़ी में काम करना। यूपी के हाथरस में भोले बाबा की सत्संग में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 121 से ज्यादा पहुंच गई है, जिसके बाद ना जाने कितने घर उजड़ गए हैं और कितनों की अपनों की जान चली गई है। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी बाबा के सेवादारों को इसका कोई दुख नहीं है, वो तो इसे परमात्मा की मर्जी बता रहे हैं। जब कासगंज के गांव बहादुर नगर पटियाली में स्थित बाबा के आश्रम के सामने खड़े एक सेवादार से इस हादसे को लेकर सवाल किया गया तो उसने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया। बाबा नारायण साकार हरि की सेवादारों को कोई दुख नहीं है। बाबा के एक सेवादार ने इस हादसे पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे पढ़कर आपका दुख और शोक बढ़ जाएगा, जिसे सुनकर आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। बाबा के सेवादार ने कहा कि बाबा तो यहाँ आते ही नहीं है, हम तो घटना के वक्त मौजूद भी नहीं थे, कैसे हुआ क्या हुआ परमात्मा जाने। चमत्कारी मिट्टी को लेकर भी सेवादार ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं और भ्रम फैलाया गया है, बाबा तो भ्रम की बात ही नहीं करते हैं, जिसका जब समय आता है उसको जाना होता है, ये लीला है, जो आया है उसे जाना ही है। वहीं अब उससे ये पूछा गया तो क्या कोई भी इस तरह भगदड़ में मर जाएगा, तो वो चुप रहा। हम यहाँ पर ये खेतीबाड़ी का काम है, यहाँ सेवा फेवा करते हैं। सेवा भी आप करते हैं? हाँ, यही सेवा है और क्या है, खेती। अच्छा। खेतीबाड़ी में काम करना। तो बाबा कहाँ पर हैं? बाबा यहाँ पर आए थे तो बात पता नहीं, हम तो यहाँ हैं ना। हाँ। भाई हम तो यहाँ पर हैं। हाँ। अब हमें पता कर बाबा मालूम है 116 लोगों की मौत हो गई है बाबा के कार्यक्रम में? ये तो आप ही के मीडिया के माध्यम से ही सुना है हमने, क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। अब कैसे हुआ क्या हुआ ये परमात्मा जाने। वैसे आप जो हुआ है ना, वो हादसा हुआ है तो ये तो हुआ है, लेकिन वहाँ कोई इंतजाम नहीं था, इतने लोगों को बाबा ने बुला लिया, कोई इंतजाम नहीं। बाबा क्या कोई मिट्टी देते हैं उस मिट्टी को पकड़ने से? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो जल की और ये जो है ना, ये सब अफवाह फैला रखी है। भाग रहे थे पैर की धूल लेने की? अरे ये तो जो भ्रम है, संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। भ्रम किसने, बाबा ने फैलाया हुआ है? नहीं, वो तो कोई भ्रम की बात करते ही नहीं। अच्छा। वो तो भ्रम से अलग हटने की बात करते हैं। तो भ्रम से हटने की बात करते हैं, इतने लोग दौड़ रहे हैं। हम सांसारिक जीव है ना, तो भ्रम में तो हम स्वयं पड़े हुए हैं। 116 लोग मर गए, बाबा देखने भी नहीं आए, आप कहते हैं कि वो भ्रम। अब आप समझ ना रहे हमारी बात, हम यहाँ पे हैं। अब हमें तो मालूम ना है कि वहाँ पे जो कमेटी है ना, सिकंदराव जहाँ जिस कमेटी ने प्रोग्राम कराया है, तो उस कमेटी संपर्क करें आप, यहाँ तो कोई मतलब नहीं। सेवादार ने तो सवालों से पल्ला भी झाड़ लिया। कासगंज में बाबा का जो आश्रम है उसे वो बेहद भव्य और रहस्यमय है, इस आश्रम में हर कोई नहीं जा सकता है। सेवादारों का ये भी कहना है यहाँ वही आता है जिसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो चुकी है। आश्रम कई बीघा जमीन पर बना हुआ है जिसके अंदर खेती भी की जाती है। बाबा के आश्रम की दीवारें किसी किले की तरह बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई हैं और छत लाल रंग की है। आश्रम का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा है जो सोने के रंग के जैसे पेंट से रंगा हुआ है। यही नहीं, मुख्य द्वार के सामने एक चौड़ी सी लाल रंग की रेखा खींची गई है, इस रेखा के पीछे रहकर ही सेवादारों से बात की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट है जहां पर भोले बाबा के सेवादारों से बात की गई है और उन्होंने ऐसे जवाब दिए हैं जिनको सुनकर आपका कहीं ना कहीं खून खौल जाएगा और कहीं ना कहीं बाबा के आश्रम के बारे में कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।